क्या बढ़िया मौसम है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 22 मार्च 2021 और अभी बज रहे हैं सुबह के ऑलमोस्ट 10:35 हो गए हैं, 10 बजने ही वाले हैं। तो आज का व्लॉग हम फिर से छत से शुरू कर रहे हैं। आप लोग बैकग्राउंड देख के समझ ही होंगे क्योंकि भाई साहब आज का मौसम भी इतना प्यारा हो रखा है ना, कहीं पे धूप है कहीं पे है छाया। हाँ ऐसा कोई गाना है, बस वही से मौसम हो रखा है भाई साहब। सीढ़ियाँ चढ़ना सौखी नहीं है, एक तो हम मोटे इतने, ऊपर से इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी। तो मैं छत पे सिर्फ एक कारण वश आया था, आप लोगों को टाइम लैप्स दिखाने के लिए और साथ वालों के घर की कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए। सबसे पहले तो आपको साथ वालों के घर की कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ जिसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा जहाँ पे जेसीबी चल रही थी। सॉरी एक बार ऊपर से दिखाता हूँ। ओहो हो नीवे पड़गी ओ भाई साहब। ओहो हो और हल्की हल्की बारिश भी शुरू होगी तो मेरे को टाइम लैप्स भी काफ़ी देख के लेने पड़ेंगे। हल्के हल्के स्पॉट्स देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, तो मेरे को थोड़ा बहुत देख के ही टाइम लैप्स लेने पड़ेंगे। लेकिन एक बार मौसम देखो, ओहो वहाँ पे कसौली पहाड़ियाँ दिख रही है। अरे फोन अभी गिरते गिरते बजा, वहाँ पे पहाड़ियाँ दिख रही है। एक नंबर मौसम भाई साहब, एक टाइम लैप्स एंजॉय करो, शायद से ज़्यादा ना ले पाऊँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। बाकी मैं अभी इसमें आ गया हूँ कंट्री लेवल के नीचे, छोटा सा कंट्री लेवल इसी के नीचे ही लगाता हूँ। तो मिलता है आपको सीधा टाइम लैप्स के बाद। अरे भाई साहब ये तो बारिश ही काफी मोटी पड़नी शुरू होगी, टाइम लैप्स रोकने पड़ गए। तो फटाफट मैं ट्रैपॉड पैक करता हूँ, निकलता हूँ नीचे को, कभी फोन ना खराब हो जाओ। दो मिनट आप लोगों से बाद में बात करता हूँ, पहले ट्रैपॉड पैक कर लूँ क्योंकि ट्रैपॉड पैक करना व्लॉगिंग और वो भी बारिश में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बाय बाय। तो अभी मैं आ गया हूँ नीचे अपने रूम में। अगर पंखे की आवाज़ आए तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी, अगर वो हवा की आवाज़ आए जैसे ऐसे आती है ये वाली आवाज़ आए तो देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने पंखा चला रखा है, मैंने अपने बाल सूखने पा रखे हैं भाई साहब। लंबे बालों की दिक्कत है, आसानी से सूखते ही नहीं है। और आज मैंने सिर्फ नॉर्मल गिले करे हैं, वो शैम्पू भी नहीं करा, लेकिन तब भी उनको आधा पौना घंटा लग जाएगा आराम से सूखने में। भी मम्मी आएंगे, मम्मी कंघी करेंगे क्योंकि हमसे तो सही तरीके से कंघी होती है नहीं। तो मिलता हूँ आप लोगों से सीधा कंघी कराने के बाद और सोना बाबू बनने के बाद। अभी बाल बूल सेट करके ही मम्मी ने काम दे दिया हमको कि हमें स्टोर रूम की सफाई करनी है। ये है हमारा स्टोर रूम और ये हमारे स्टोर रूम का सारा सामान है। आपको भी बैक कैमरे से दिखाते हैं, इस कैमरे से सही तरीके से नहीं दिख रहा होगा। एक बार देखो भाई साहब ये सारा सामान जितना भी आप बेड वगैरह पे देख रहे हो, ये सारा ए टू जेड इस जगह में रखा हुआ है। और अभी मम्मी ये रजाई लेके आ रही है। अभी तो ब्लॉगिंग करना खतरनाक होएगा क्योंकि मम्मी ने काम दे रखा है। मम्मी सोचेगी सारा टाइम ब्लॉग 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 ब्लॉग। तो अब सीधा सारा काम करवा के ही मैं आप लोगों से मिलता हूँ, तब तक मैं अपने बाल बूल भी एकदम अच्छे से बांध लूँगा। भाई साहब अभी इन सारे जुत्तों से वो मिट्टी निकली और अभी ये सारे और ये वाला लेवल रहता है। तो अभी ऑलमोस्ट 11:15 बज चुके हैं, तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। आज ब्रेकफास्ट में है एक नंबर राजमा। ओ हो चावल और ये अभी मैं अपने लिए पनीर पराठा गर्म कर रहा हूँ, मैं क्या मम्मी कर रहे हैं। भाई साहब एक नंबर राजमा चावल मिलेंगे आज तो। लोग जीने के लिए खाते हैं और हम खाने के लिए जीते हैं यार। बहुत पता नहीं फूड से ना एक अलग ही ऑब्सेशन है ये। तो मैंने फूड व्लॉगिंग का चैनल नहीं खोला, नहीं तो जो मैं फूड व्लॉगिंग का खोलता ना वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाता ना। लेकिन इस चैनल में भी थोड़ी बहुत दिखाई देता हूँ मैं, क्योंकि नाराज थोड़ी कर सकते अपने पैशन को। भाई साहब अभी मम्मी से भारी डांट पड़ी मेरे को, अगर व्लॉग में ले पाता हूँ तो दोबारा कोशिश करता हूँ। जैसी दिखाते हैं आप लोगों को हमारी मम्मी की डांट। गुस्सा किस बात से आप मेरे से?
अरे यार खींच मचने लग जाती है, उठा पटक में हम दिमाग खराब। देख लो किसी एडे एडे बच्चे नु गाला पहनिए ना, कभी नहीं पहनती होंगी। भाई साहब मेरी बहन हंस रही है, घर वालों से डांट पड़ रही है, आज का सारा दिन ही खराब है और बारिश भी शुरू होगी बाहर। चलो कोई ना, आम बात है, क्या करें यार, हमारे पिताजी के साथ भी यही होता है। हमारे पिताजी हमारी मम्मी को, ये देखो अभी अब पिताजी को डांट रही है, आज हमारी मम्मी का पारा हाई है। अगर हम ये हमारे आंटी जी जो हमारी सफाई करने आंटी है, वो भी बेचारे सोच रहे भी आज मम्मी के क्रोध से कैसे बचे। जब मम्मी शांत होती है तब ब्लॉक करता हूँ, अब कोई पता चले मेरा फोन ही पटक के घेर दे। अरे भाई साहब ये तो मम्मी क्या भड़की है, तो मौसम भी भड़क गया। ओहो हो हाय क्या प्यारी हवा लग रही है। ठीक हो भैया, एक नंबर। हाँ मेरे को पीछे जाने की इजाजत ना, घर में अंदर रहने की इजाजत, और अब बाहर बारिश शुरू हो गई। अब करे तो करे क्या, बेचारा उदय पिस गया। लेकिन हवा जो चल रही है ना, एक नंबर। मिलते हैं अब आप लोगों से सीधा, अगर हम आगे ब्लॉक कर पाते हैं या सीधा इस ब्लॉक की एंडिंग पे मिलते हैं। वैसे एंड तो नहीं मैं करता इतनी जल्दी, लेकिन अगर हो भी गई तो ठीक है। तो फाइनली अभी बच चुके हैं शाम के 5, और मम्मी से डांट खाने के बाद मैं ऑब्वियस सी बात है दोबारा सो गया। KGF देखता देखता मौसम तो भी बाहर सीन है भाई साहब। मैं आज तक ना कभी नहीं सोया दोपहर में, लेकिन जब से ये अपना लॉकडाउन लगा ना, उसके बाद से ऐसी आदत लगी ना दोपहर में सोने की। तो बस यार क्या ही कहें, बीमारी है एक तरीके की। तो मैं सोचा अब इस वीडियो को भी एंड ही कर देते हैं, करें या ना करें कर ही देते हैं। चलो आप लोग भी क्या ही देखोगे, अब हो तो गया आपका आज का दिन कंप्लीट, 5 बज के अब आराम से दोबारा खा के दोबारा सो जाएं। तो इसी नोट पे करते हैं हम आज की वीडियो को एंड। होप करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नवी जर्नी, एक नवे एडवेंचर और एक नवे एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस।